SLBS Wellness के बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी कंपनी का उद्देश्य है हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया, बीमारी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत। इसी उद्देश्य के साथ हमारे MD एंड CEO संजीव कुमार जी ने SLBS Wellness की स्थापना 9 नवंबर 2014 में दिल्ली में की थी। आज इस कंपनी को 7 साल होने वाले हैं। बीते वर्षों में कंपनी ने भारत के अनेक गांव और शहरों में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में जागरूक किया, उनसे बचने के घरेलू उपाय भी बताए। SLBS Wellness Private Limited मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए सभी नियम और निर्देश के अनुसार काम करती है। कंपनी के पास कई सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं, जैसे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स सर्टिफिकेट, डायरेक्ट सेलिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का सर्टिफिकेट, फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए FSSAI का लाइसेंस, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए ISO सर्टिफिकेशन ISO 9001:2015। प्रोडक्ट यूजेज के अनुसार कंपनी के पास और भी कई सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें हलाल, WHO GMP, कोशर, क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की एनालिटिकल टेस्टिंग यूरोफिन्स लैब द्वारा की गई है और क्वालिटी के सभी पैमाने पर खरा उतरने के बाद ही इन्हें लैब द्वारा पास किया गया और ये लैब रिपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड वैलिड हैं। कंपनी के पास आयुष स्टैंडर्ड मार्क सर्टिफिकेशन भी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मार्क है, क्योंकि यह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। वर्ष 2018 और 19 में कंपनी की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची और कई फिल्मी और साहित्यिक हस्तियों के हाथों सम्मान भी मिले। भारत शौर्य श्री अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड 2018 में और इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 में जो मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर के द्वारा दिया गया। वर्ष 2018-19 का इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड्स अवार्ड और 2019 में कंपनी को मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड मशहूर अदाकारा कंगना रनावत के हाथों मिला। वर्ष 2019 में बिजनेस सेक्टर की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स इंडिया ने कंपनी के MD एंड CEO संजीव कुमार जी की तस्वीर को अपने कवर पेज पर नामांकित किया और उनका इंटरव्यू भी मैगजीन में प्रकाशित हुआ। 2020 में पूर्व राष्ट्रपति लेट श्री प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से श्री संजीव कुमार जी को चैंपियंस ऑफ चेंज सम्मान से नवाजा गया, जिसमें देश के कई नामी गिरामी राजनेता, समाज सेवी, उद्योगपति और गणमान्य लोगों का नाम शामिल था। और वर्ष 2021 में संजीव कुमार जी को दोबारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं कंपनी की विजन और मिशन की, जो है हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया। आजकल साधारण व्यक्ति की जिंदगी में कई बीमारियों ने जगह ले ली है, जिसका मुख्य कारण है हमारा आजकल का लाइफस्टाइल। जी हाँ, जैसे कि आजकल खेती के तरीके, हमारे उत्पादन के तरीके में बहुत फर्क आया है। पुराने जमाने में नेचुरल तरीके से फार्मिंग होती थी और आजकल हर जगह केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पहले की बीमारियों की, उनमें शामिल थी मलेरिया, चिकन पॉक्स, प्लेग और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां, जिसका मुख्य कारण था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन आजकल के बीमारियां हैं ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक और कैंसर, जिसका मुख्य कारण है हमारा खाना और लाइफस्टाइल। हमारी कंपनी
इन्हीं लाइफस्टाइल डिजीजेस के ऊपर काम करती है और लोगों को इनसे बचे रहने के लिए जागरूक करती है। कंपनी का संकल्प था देश के घर घर में जो वेलनेस प्रोडक्ट पहुंचे वो उच्चतम गुणवत्ता के हों। हमारी कंपनी के पास 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, ओरल केयर प्रोडक्ट्स और फूड सप्लीमेंट्स। और अब कंपनी होम केयर, पर्सनल हाइजीन जैसे डेली यूज के प्रोडक्ट्स भी शामिल करने वाली है। इनमें से बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हर घर में इस्तेमाल होने वाले हैं, जैसे कि इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, गायनोडॉक, ऑर्थोडॉक, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, ईएक्सी जेसी ऑइंटमेंट, वेनडॉक ऑयल, डाइबोडॉक, पंच तुलसी, वायरल डॉक, स्टोन डॉक, त्रिफला रस, किडजी डॉक, थाई डॉक, प्रो डॉक, लिवोडॉक और ओबियोडॉक। इन सभी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कई लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और उनकी कई परेशानियां हल हुई हैं। इसके अलावा फूड सप्लीमेंट्स जैसे कि प्रोटीन पाउडर, मसल डॉक, मास डॉक, स्लिम डॉक, वीटा डॉक, ओमेगा डॉक, मोरी डॉक, कर्सी डॉक, बेरी डॉक और भी अन्य फूड सप्लीमेंट्स हैं जो कि व्यक्ति की डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा भी लाइफस्टाइल डिजीज से होने वाली समस्याओं के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं जो व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार ले सकता है। और सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.slpswellness.com पर उपलब्ध है। किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग दो तरीके से होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट सेल के लिए एक बहुत लंबी चेन होती है जिसमें प्रोडक्ट पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, उसके बाद रिटेलर के पास और फिर कहीं जाके कंज्यूमर के पास पहुंचता है। ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेनिफिट मार्जिन देती जरूर है, मगर वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए होता है और वो भी एक लिमिटेड परसेंटेज तक ही सीमित होता है। इतनी लंबी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होने की वजह से कभी कभी कंज्यूमर तक एक बेहतर प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता है, मगर डायरेक्ट सेलिंग में बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को दिया जाता है और कंज्यूमर को एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है और इसके साथ ही एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी रिकमेंड करें तो आपको कुछ नहीं मिलता, सीधा फायदा कंपनी को होता है। लेकिन यही प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से आप तक पहुंचता है तो इसमें एक बेहतर प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, क्योंकि जो बेनिफिट एक ट्रेडिशनल कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या रिटेलर को देती है उसके हकदार डायरेक्ट सेलिंग में आप होते हैं। तो आइए हम जानते हैं अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में जो कि मैथमेटिकली कैलकुलेटेड मल्टी लेग जनरेशन प्लान है। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट सेलर कैसे बना जाए। यह रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है जो slpswellness.com से किया जा सकता है या हमारे ऐप से। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही और अपने KYC डिटेल सबमिट करते ही आप डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलर्स के बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं। अगर आप कंपनी के डायरेक्ट सेलर हैं तो आपको लाइफ टाइम डिस्काउंट ऑफ प्रोडक्ट यूजेज 5-30%, सेल्स कमीशन, मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन,
एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन, रेगुलर सेल्स कमीशन, ट्रिप्स एंड रिवॉर्ड्स। कंपनी का बिजनेस प्लान मैथमेटिकली कैलकुलेटेड मल्टी लेग जेनरेशन प्लान है। इसमें कंपनी एक SP पर 98 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो रेगुलर सेल्स कमीशन को छोड़ के बाकी सभी कमीशन्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स कमीशन की, जो कि वीकली मिलता है, और इस कमीशन के लिए कंपनी 43 रुपए निकालती है। जब आप कंपनी के ऑथराइज्ड डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं तो कंपनी दो ऑर्गेनाइजेशंस देती है, पहली SAO सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी SGO सेल्स जेनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे हम कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं और लोग प्रोडक्ट को यूज करके कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, SAO और SGO। इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम किसी को भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है ए, उसको आपने प्रोडक्ट सेल किया, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा और उसको भी कंपनी में काम करना है, तो आपने उसको SAO के अंडर ऐड कर दिया। इसी तरह मान लो आपका कोई फ्रेंड है बी, उसको भी कंपनी में काम करना है, तो आप उसको SGO के अंडर ऐड करोगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते आपने कई लोगों से बात की और उन्हें भी प्रोडक्ट अच्छे लगे और उन्हें भी कंपनी के साथ काम करना है, तो आप उनको डायरेक्ट अपने अंडर CDEF करके दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में बराबरी से प्लेस कर सकते हो, मगर आप अपना रेफरेंस देके ए या बी की तरफ से नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि कंपनी प्योर जेनरेशन स्ट्रक्चर पे काम करती है। अब बताते हैं सेल्स कमीशन के लिए आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। अब मान लो SAO में 3 लोग हैं और तीनों के परचेज का टोटल है 106 SP और SGO में 4 लोग हैं, उन चारों के परचेज का टोटल है 158 SP। अब कमीशन कैलकुलेशन के लिए कंपनी इक्वली SAO से 100 SP और SGO से 100 SP लेगी और बाकी बचे हुए SP नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देगी। कमीशन कैलकुलेशन के लिए कंपनी का एक फॉर्मूला है, सेल्स कमीशन रेट। सेल्स कमीशन रेट कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ SP इन दैट वीक मल्टीप्लाई बाय 43 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट SP ऑफ कंपनी इन दैट वीक। ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कंपनी का टोटल SP टर्नओवर हुआ एक हफ्ते में 5 लाख SP। सेल्स कमीशन कंपनी देती है 43 रुपए, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 43 हो गया 2,15,00,000 और कंपनी के टोटल इक्विवेलेंट SP बने 21,500 SP। अब 2,15,00,000 को डिवाइड करेंगे 21,500 SP से, जो होगा 1,000 रुपये। अब कंपनी कहती है जिसकी 100 SP की इक्विवेलेंट है उसका रेट आया 1,000 रुपये। कंपनी के मुताबिक एक SP की मैक्सिमम लिमिट 10 रुपये है और 100 SP मैच की मैक्सिमम लिमिट है 1,000 रुपये। अगर इस कैलकुलेशन में टोटल 1,050 भी आता है तो कंपनी आपको मैक्सिमम पर 100 SP इक्विवेलेंट का 1,000 रुपये ही देगी। सेल्स कमीशन में सभी डायरेक्ट सेलर्स को कैटेगराइज किया गया है, जिसके अनुसार उनकी वीकली मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लिमिट डिसाइडेड होती है, जो इस प्रकार है। यदि आपके सेल्फ परचेज सेल्स पॉइंट एक्यूमुलेट होते हैं 27 SP तक, तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट सेलर कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं और आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लिमिट होती है 50,000 रुपये। अगर आपके सेल्फ परचेज सेल्स पॉइंट 52 SP हो जाते हैं तो आप सुपर डायरेक्ट सेलर कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं, तब आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 1,00,000 रुपये हो जाती है। और अगर आपके सेल्फ परचेज सेल्स पॉइंट 100 SP हो जाते हैं
तो आप प्रीमियम डायरेक्ट सेलर कैटेगरी में शामिल हो जाते हो। तब आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 1.5 लाख रुपए हो जाती है। यह था हमारा सेल्स कमीशन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कमीशन पे, जो है मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन। इस कमीशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी 33 रुपए निकालती है और यह कमीशन हर महीने की आखिरी तारीख को आपके पास आ जाएगा। अब यह मिलती कैसे है? मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन के लिए कंपनी ने कुछ लेवल्स रखे हुए हैं। अगर आप ब्रॉन्ज की बात करें तो आपके SAO में 200 SP और आपके SGO में 100 SP का बिजनेस जेनरेट होता है तो आप ब्रॉन्ज रैंक अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट रैंक है सिल्वर रैंक। इसको अचीव करने के लिए आपके SAO में 600 SP और SGO में 300 SP का बिजनेस होता है तो आप सिल्वर रैंक अचीव कर लेंगे। ऐसे ही गोल्ड रैंक के लिए SAO में 1200 SP और SGO में 600 SP की परचेज होते ही आप गोल्ड रैंक अचीव कर लेंगे। अब गोल्ड के बाद आती है प्लैटिनम रैंक। इसमें SAO में जैसे ही 2400 SP और SGO में 1200 SP पूरे होते हैं आप ये रैंक अचीव कर लेंगे। इसी तरह एमरल्ड में SAO में रिक्वायर्ड हैं 4800 SP और SGO में 2400 SP। टोपाज में SAO में रिक्वायर्ड हैं 12000 SP और SGO में 6000 SP। रूबी स्टार में SAO में रिक्वायर्ड हैं 24000 SP एंड SGO में 12000 SP। इसी तरह सफायर में SAO में रिक्वायर्ड हैं 48000 SP एंड SGO में 24000 SP। जैसे ही आपकी ये रैंक्स कंप्लीट हो जाती हैं, उसी मंथ आपको महीने की आखिरी तारीख को ये मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन दे दी जाती है। अब हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। हम टोटल मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब टोटल SP टर्नओवर कंपनी का एक महीने में हुआ 20 लाख SP। 33 रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे 20 लाख SP से, जिसका टोटल आता है 6,60,00,000 रुपए, जो कंपनी परसेंटेज में उन लोगों को देती है जिन्होंने एक महीने में ये रैंक क्वालिफाई करी है। ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है फर्स्ट से लेकर 8th रैंक तक, जिसमें हर रैंक पर अलग अलग परसेंटेज है जो पहले से ही तय है। अब हम जान लेते हैं कि किस रैंक पे कितनी परसेंटेज मिलती है। ब्रॉन्ज रैंक पे आपको मिलती है 9.86%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1500 रुपए। सिल्वर रैंक पे 10.26%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 4500 रुपए। गोल्ड रैंक पे 9.46%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 9000 रुपए। प्लैटिनम रैंक पे 11.33%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 20000 रुपए। एमरल्ड रैंक पे 13.86%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 45000 रुपए। टोपाज रैंक पे 20.66%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपए और इसके साथ साथ आपको एक थाईलैंड का ट्रिप भी मिलता है। रूबी स्टार रैंक पे 11.86%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 2,30,000 रुपए और सेफायर रैंक पे 12.66%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 3,60,000 रुपए और ये रैंक अचीव करते ही दुबई में 3 नाइट 4 डेज का कपल प्लस 2 बच्चों का ट्रिप भी मिलता है। ब्रॉन्ज रैंक के लिए मान लेते हैं टोटल अचीवर्स हैं 4,210। अब टोटल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुए 6,60,00,000 इंटू 9.86%, जो कि हुआ 65,12,000 रुपए। अब मंथली सेल्स कमीशन रेट यानी MSCR निकालने के लिए 65,12,000 डिवाइड करेंगे 4,210 से, जो टोटल नंबर ऑफ अचीवर्स हैं। ब्रॉन्ज रैंक के लिए इसका टोटल आता है 1,546 रुपए और 79 पैसा। अब यहाँ कंपनी ने मैक्सिमम लिमिट सेट करी हुई है, जो है 1,500 रुपए। इस तरह रूबी स्टार रैंक के लिए
टोटल अचीवर्स अगर 32 हैं, तो टोटल फंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए 6,60,00,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 11.86% से, जो कि आया 78,32,002 रुपये। अब MSCR के लिए 78,32,002 रुपये को डिवाइड करेंगे 32 से, जो आया 2,44,750 रुपये। और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लिमिट है। अब हम बात करते हैं स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन की। इस कमीशन में 9th रैंक से लेकर 14th रैंक तक आते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका परसेंटेज कैसे आप सबको मिलता है। इन 6 रैंक्स के कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने 15 रुपए रखे हैं और इसको देने की अवधि 12 महीने की है। अब स्टार सफायर रैंक को कंपनी ने दिए हैं 23.20%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 8,20,000 रुपए है। इसके साथ कंपनी एक सेल्फ ट्रिप भी देती है मलेशिया का। नेक्स्ट रैंक है डायमंड रैंक, इसमें कंपनी ने दिए हैं 18.3% और इसकी लिमिट है 12,40,000 रुपए, और साथ ही कंपनी एक फुली पेड मालदीव ट्रिप भी देती है कपल के लिए। अगली रैंक है हमारी ब्लू डायमंड की, इसमें कंपनी आपको 17% कमीशन देती है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 22,00,000 रुपए है, और ये रैंक अचीव करते ही स्विट्जरलैंड में 5 नाइट 6 डे का एक कपल और 2 बच्चों का ट्रिप भी मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले लेवल पर, जो है ब्लैक डायमंड। यहाँ पर कंपनी ने 14% का कमीशन रखा है और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 35,00,000 रुपए। इस लेवल को अचीव करते ही कंपनी की तरफ से सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का 4 नाइट 5 डेज का ट्रिप भी मिलता है। नेक्स्ट रॉयल डायमंड रैंक है, यहाँ पे 13.5% का कमीशन मिलता है और इसकी लिमिट है 59,00,000 रुपए, और साथ में आपको मिलता है सिंगापुर मलेशिया का 5 नाइट्स और 6 डे का कपल और 2 बच्चों का ट्रिप। अब हम बात करते हैं हमारे क्राउन डायमंड लेवल की। यहाँ पर 14% की कमीशन मिलती है और इसकी मैक्सिमम लिमिट 93,00,000 रुपए है, और साथ ही आपको मिलता है मॉस्को का 4 नाइट्स 5 डे का टूर एक कपल और 2 बच्चों के लिए। 9th रैंक है हमारा स्टार सफायर। इस रैंक में आपको SAO यानी सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 96,000 SP एंड SGO यानी सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 48,000 SP होते ही आप स्टार सफायर रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसा कि बाकी रैंक्स में था, यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी रैंक क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रैंक है डायमंड की, इसमें आपको SAO में 1,92,000 SP और SGO में 96,000 SP होते ही आप डायमंड रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। अगली रैंक ब्लू डायमंड है, इसमें आपको SAO में 3,84,000 SP और SGO में 1,92,000 SP पूरे होते ही ब्लू डायमंड रैंक क्वालिफाई हो जाएगी। ऐसे ही ब्लैक डायमंड में SAO में 7,68,000 SP और SGO में 3,84,000 SP पूरे होते ही आप ब्लैक डायमंड रैंक क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसे ही रॉयल डायमंड में SAO में 15,36,000 SP एंड SGO में 7,68,000 SP पूरे होते ही आप रॉयल डायमंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, और साथ ही इस लेवल की कमीशन के लिए भी। नेक्स्ट रैंक है क्राउन डायमंड की, जिसमें आपको SAO में 30,72,000 SP और SGO में 15,36,000 SP पूरे होते ही आप स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन में टॉप पे आ जाएंगे। अब सारी कैलकुलेशंस होती कैसे हैं? कंपनी टर्नओवर अगर है 20,00,000 SP का, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने रखा है 15 रुपए पर SP। अब 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल SP से, जो है 20,00,000। इसका टोटल आएगा 3 करोड़ रुपए। अब ये 3 करोड़ रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी सारे रैंक में अकॉर्डिंग टू परसेंटेज,
जो कि पहले से कंपनी द्वारा तय है। अब स्टार सफायर में अगर पहले महीने में टोटल अचीवर 10 हैं, तो यहाँ टोटल फंड आएगा 3 करोड़ × 23.2%, जो बना 59,60,000। अब हम MSCR की बात करें तो वो आया टोटल फंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय टोटल नंबर ऑफ अचीवर, जो हुआ 59,60,000 डिवाइडेड बाय 10, जो हुआ 6,96,000। अब ये जो पैसा है 6,96,000, ये मिलेगा ए टू जे 10 लोगों को अप टू मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। इस अमाउंट को देने की मैक्सिमम टर्म है 12 महीने, क्योंकि इस कमीशन को कंपनी 12 महीने तक ही रिलीज करती है। जो लोग क्वालिफाई करते रहते हैं, पुरानों को उस परसेंटेज से बचा हुआ देती रहती है, और नए जो लोग क्वालिफाई होते हैं उन्हें नई परसेंटेज से नया दे देती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टार सफायर को मिला 6,96,000 रुपए और इनकी प्रेस्क्राइब लिमिट है 8,20,000 रुपए, तो टोटल लिमिट में से इन्हें 1,24,000 कम मिला। अब अगले महीने जब बिजनेस आएगा, उसमें से 23.20% निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा, उसमें से पहले 1,24,000 पुराने लोगों को दिया जाएगा और बाकी जो बचा अमाउंट होगा वो नए 10 लोगों को दिया जाएगा। कंपनी ने हर रैंक की एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट सेट करी हुई है, उसी के हिसाब से सबको कमीशन मिलती है। इस तरीके से कंपनी अपनी स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अब हम बात करते हैं एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन की। 15th रैंक है हमारा एम्बेसडर रैंक। इस रैंक में आपके SAO में 61,33,000 SP और SGO में 30,72,000 SP की परचेज होते ही आप ये रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रॉयल एम्बेसडर की। ये इनकम क्वालिफाई करने के लिए 1,22,88,000 SP SAO में और 61,44,000 SP SGO में परचेज या रीपरचेज आपके सभी ग्रुप के द्वारा होनी चाहिए, तो ही आप रॉयल एम्बेसडर की इनकम क्वालिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट रैंक आती है हमारी क्राउन एम्बेसडर की। इस इनकम को क्वालिफाई करने के लिए 2,45,76,000 SP आपके SAO में और 1,22,88,000 की SGO में परचेज या रीपरचेज होनी चाहिए। ये होते ही आप क्राउन एम्बेसडर रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट रैंक आता है ब्रांड एम्बेसडर, जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपके SAO में 4,91,52,000 SP और SGO में 2,45,76,000 SP चाहिए होंगे। यह पूरा होते ही आप ब्रांड एम्बेसडर रैंक क्वालिफाई कर जाएंगे। इस कमीशन में कोई भी मंथ्स की लिमिट नहीं है जैसे पहले रैंक्स में थी, और इस कमीशन के लिए कंपनी 7 रुपये निकालती है और इस परसेंटेज के अनुसार कमीशन बनती है। एम्बेसडर रैंक लीडरशिप कमीशन की परसेंटेज कंपनी ने सेट करी हुई है। इस रैंक में कंपनी ने दिया है 32.15%। इस रैंक की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 1,50,00,000 और साथ ही कंपनी ऑस्ट्रेलिया का 5 नाइट 6 डेज का सेल्फ ट्रिप भी देती है। रॉयल एम्बेसडर रैंक में कंपनी ने दिया है 25%। इस रैंक में कंपनी की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 2,85,00,000। क्राउन एम्बेसडर रैंक, इस रैंक में कंपनी ने दिए हैं 25%। इस रैंक की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 5,50,00,000। ब्रांड एम्बेसडर रैंक, इस रैंक में कंपनी ने दिए हैं 17.85%। इस रैंक की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 12 करोड़ और साथ ही एक ऑस्ट्रेलिया का 5 नाइट 6 डे का कपल प्लस 2 बच्चों के लिए टूर।
अब सारी कैलकुलेशन होती कैसे है? कंपनी टर्नओवर अगर 20 लाख एसपी का है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने रखा है ₹7 पर एसपी। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एसपी से जो है 20 लाख, इसका टोटल आएगा 1,40,00,000 रुपए। अब यह 1,40,00,000 रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी इस रैंक में अकॉर्डिंग टू परसेंटेज जो कि पहले से कंपनी द्वारा तय है। अब एम्बेसडर में अगर महीने में टोटल अचीवर 1 है तो यहाँ टोटल फंड आया 1,40,00,000 इंटू 32.15% जो बना 45,01,000। इसका MSCR आया 45,01,000 रुपए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रैंक अचीवर्स जो है 1, तो टोटल आया 45,01,000। इसी तरह हमारी हर रैंक कैलकुलेट होगी उसकी परसेंटेज के अनुसार। अब हम बात करते हैं रेगुलर सेल्स कमीशन की। इस कमीशन में कंपनी आपको 10% रिटेल प्रॉफिट देती है आपकी सेल्फ रेगुलर परचेज एसपी पर। अब आपकी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्रोडक्ट्स की जरूरत के अनुसार लोग उन्हें रेगुलर परचेज करते हैं, तो आपकी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी ग्रुप्स हैं वो दोबारा प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसका कमीशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कंपनी ने दिया हुआ है जिसे हम रेगुलर सेल्स कमीशन कहते हैं। अब SEO में आपके सारे ग्रुप्स ने जो परचेज करी है वो है 25 RSP और SGO में है 41 RSP। अब इसमें कंपनी देखती है इक्विवेलेंट SP जो मिनिमम 25 SP होना चाहिए। अब इन दोनों ग्रुप्स में से कंपनी ने निकाले 25 SP और बाकी के नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिए जो है 16 SP। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं वो कैसे होती है। रेगुलर सेल्स कमीशन रेट यानी RSCR निकालने के लिए टोटल रेगुलर SP ऑफ कंपनी लेने हैं और उसे मल्टीप्लाई करना है ₹65 से, क्योंकि इस कमीशन में कंपनी ₹65 डिस्ट्रीब्यूट करती है 1 SP पर, और फिर डिवाइड करना है टोटल इक्विवेलेंट RSP साइकिल ऑफ कंपनी इन दैट वीक। इसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब टोटल रेगुलर सेल्स SP है 21,000 SP और 1 SP का रेट है 65। अब 21,000 SP मल्टीप्लाई बाय 65 हुए 13,65,000 और टोटल इक्विवेलेंट साइकिल ऑफ रेगुलर सेल्स SP उस वीक में कंपनी की हुई 910। 13,65,000 डिवाइडेड बाय 910 साइकिल हुए ₹1,500। अब ये आया पर 100 SP का रेट 1500। 1 SP की मैक्सिमम लिमिट हुई ₹15 की और 100 SP की मैक्सिमम लिमिट है 1500। इसी तरह अगर ये RSCR 1500 से ज़्यादा आता है तो भी मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 regular SP ₹15 ही रहेगी। इसके साथ ही रेगुलर सेल्स कमीशन की भी वीकली मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लिमिट डिसाइड की गई है जो सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए सेम है जो है ₹3,00,000। अब चाहे आपकी कैटेगरी एग्जीक्यूटिव हो या सुपर एग्जीक्यूटिव हो या फिर प्रीमियम, और जो मिनिमम पे आउट है वो 25 SP से शुरू होता है, फिर 50 SP, फिर 75 SP और फिर 100 SP का दिया जाता है, मतलब 25 SP के मल्टीपल्स में। और ये सब कमीशन प्राप्त करने के लिए फिजिकल KYC कराना अनिवार्य है और इस इनकम पे TDS भी कटता है एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये था SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का मार्केटिंग प्लान। नाउ यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट्स एंड शेयर इट विद पीपल। थैंक यू।